दोस्तों आज के इस वीडियो में बातें करेंगे जनधन खाता के बारे में और 500 रुपया जो सभी महिलाओं के आ रहा है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी लोगों का ऐसा कमेंट आ गया है कि मैं कौन सी बैंक में खाता खुलवाऊ, नया अकाउंट खुलवाऊ कि जो 500 रुपया जनधन वाली हमें भी आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अपने यहाँ ना काफी लोगों को, यानी जो जो लोगों का जनधन खाता था उन सभी को पैसा आ गया है, दो किस्त, एक किस्त बचा हुआ है। तो उनका कुछ कमेंट ऐसा भी आया है जिनका कहना ये था कि अगर अभी तक हमारे पास जनधन खाता नहीं खुला है और अब खाता खुलवाते हैं, अब जनधन बैंक में नया खाता खुलवाते हैं, तो क्या हमें 500 रुपया जो आ रहा है महिलाओं के, वो हमारे यहाँ का भी महिलाओं को आएगा या नहीं। तो देखिए, वो पैसा आएगा 500 रुपया। अभी भी जितने सारे अपने यहाँ गरीब महिलाएं हैं वो लोग जनधन खाता खुलवाते हैं, तो उन सभी को 500 रुपया आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये नहीं है कि अनाउंस करने से पहले जिनका भी खाता जनधन होगा उन्हीं को आया है और उन्हीं को आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग नए, मतलब कि ग्राहक है जो नए नए खाता खुलवाए हैं, उन सब का पैसा आ गया, उन सबों का पैसा आ गया। अगर आपके आसपास में भी अगर कोई गरीब ऐसा महिलाएं हैं जिनके पास कुछ मजबूरी या कमजोरी की वजह से खाता नहीं खुला हुआ है, किसी को आधार कार्ड नहीं था, किसी को कुछ पैसे नहीं था, हालांकि 100 रुपया में भी खाता खुलता था, जो 100 रुपया अकाउंट में जमा होता था फ्री, मान लीजिए तो फ्री में खाता खुला हुआ जनधन वाली, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते थे हमें खाता की ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से कुछ लोग खाता नहीं खुलवा चुके हैं, अभी बहुत ऐसे गरीब लोग हैं, तो वो लोग अब खाता खुलवा सकते हैं और जो पैसा आता है, जो पैकेज है 500 रुपया वाला, वो अभी भी उनके खाते में आ जाएगा पैसा डलाने से पहले अगर अकाउंट खुलवा लेते तो। क्योंकि अभी जो दूसरा किस्त आया है, मैंने पहली किस्त जब आया था उसके बाद काफ़ी लोग खाता खुलवाने आए, उसके बाद मैंने जब खाता खुला तो दूसरी किस्त उन सबों को भी पैसा आ गया जिनका मैंने नया खाता खुला हूँ बाद में। तो अभी भी अगर आप लोग खाता नहीं खुलवाए हैं और ये जनधन वाला पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं या इच्छुक है, अगर आप मतलब कि कुछ मजदूरी टाइप के परिवार हैं या आपका गरीब परिवार है, आप लोग नॉर्मल है, तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए, 500 रुपया जनधन वाली जो आना है पैकेज वो आ जाएगा। और बता दो कि कुछ लोग ऐसे भी कमेंट किए हैं जिनका कहना था कि मैं कौन सी बैंक में अकाउंट खुलवा दूँ जो जनधन होगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसा बैंक है, पेटीएम है, एयरटेल है, फिनो है, इतना बैंक है ना कि पूछे मत। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सरकारी बैंक में आप अकाउंट खुलवा लीजिए, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा होता है उसका बीसी में खुलवाइए। किसी भी बैंक में आप खाता खुलवा रहे हैं तो मिनी ब्रांच खुलवाइएगा, मिनी ब्रांच वाला जो खाता होता है बीसी पॉइंट सीएसपी सेंटर, वो जनधन में मतलब कि मान्य होता है, मान्य है, जनधन है। और आप ये कहेंगे कि 2016 में और 17 में खुला वही जनधन है, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि मिनी ब्रांच में शुरू से लेके अंत यानी आज तक भी खाता खुला है वो सब जनधन में ही है, अब उन सबको पैसा आया है। और आप सभी को बता दूँ किसी भी बैंक में आप खाता खुलाते हैं तो मिनी ब्रांच खुलाइएगा, आपको सीएसपी पॉइंट सेंटर में खुलवाइएगा, सीएसपी बीसी पॉइंट में खुलवाइए, ताकि वो खाता आपका जनधन में मतलब वैल्यू किया जाए। और आप सभी को बता दूँ जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, स्टेट बैंक का सीएसपी है, यूनियन बैंक हो तो गर्दा है, एनपीसीआई उसका गजब है यूनियन बैंक का, और बहुत ऐसे बैंक हैं सभी को पैसा आया है। मैं किन किन बैंकों को बताऊँ, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ एसबीआई का सीएसपी है, इसके लिए जब भी कुछ होता था एसबीआई ही आवाज़ निकलता है बाहर, है ना। तो आप लोग और आपके आसपास के जितने सारे लोगों को जनधन का लाभ नहीं मिला है, 500 वाला खाता खुलवा दीजिए, मिल जाएगा सभी को। कमेंट आया था इसके अनुसार मैंने वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि आप लोग अगर नहीं खुलवाए जनधन खाता तो खुलवा दीजिए, जनधन वाले पैसा सभी को आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो बैंक का आधार से लिंक अकाउंट ओपनिंग समय से ही रहे उसी बैंक में आप अकाउंट खुलवाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा बैंक है जो मैं अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी समय से एनपीसीआई लिंक आपको मिल जाता है तो अच्छा रहता है। कुछ ऐसा बैंक है, जैसे कि कुछ ऐसे बैंक है जिनमें अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे आधार कार्ड से अकाउंट आपका खुलेगा, लेकिन आधार कार्ड से आपका अकाउंट लिंक नहीं होता है, उसके लिए आपको ब्रांच से केवाईसी कराना पड़ेगा। और एक और बात है कि अभी काफ़ी लोगों का आधार से खाता खुला था, जनधन वाला पैसा भी आया है, लेकिन ब्रांच परमिटेड नोट अलाउ बोल रहा है पैसा निकासी करते समय, तो उसका मतलब ये होता है कि ब्रांच से आप केवाईसी करा दीजिए, पैसा उनका निकासी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि केवाईसी के लिए बहुत ऐसा बैंक है जिन्होंने मतलब इस तरह का नोटिफिकेशन देना शुरू कर दिया है, तो ग्राहक को आप केवाईसी करा दीजिए बैंक से और आपका खाता वहां से एक्टिव हो जाता है, आप आधार से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एनी टाइम। तो दोस्तों ऑनलाइन से जुड़ा या बैंक की समस्या से जुड़ा या ईपीएस आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऊपर एल पे प्रेस कर दीजिएगा।
कुछ भी सवाल हो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। जब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।